चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो में बीए पार्ट वन का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर वन। इस वीडियो में हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन एक है वराहमिहिर, ऑप्शन दो है विल्हन, ऑप्शन तीन है कौटिल्य, ऑप्शन चार है कलहर। तो इसका सही आंसर होगा कलहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किस स्थल से नवपाषाण युगीन हड्डी के उपकरण पाए गए हैं? ऑप्शन एक है चिरांत, ऑप्शन दो है चंपा, और ऑप्शन तीन है सेनवार, और ऑप्शन चार है मेनेर। तो इसका सही आंसर होगा चिरांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है ताम्रपाषाण युग के लोग धातु के व्यवहार से परिचित नहीं थे, ऑप्शन दो है ताम्रपाषाण युग के लोग लोहा से परिचित थे, ऑप्शन तीन है ताम्रपाषाण युग के लोग सिर्फ पत्थर के उपकरणों से परिचित थे, और ऑप्शन चार है ताम्रपाषाण युग के लोग तांबा के व्यवहार से परिचित थे। तो इसका सही आंसर होगा ताम्रपाषाण युग के लोग तांबा के व्यवहार से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ का नाम है, ऑप्शन दो अवेस्ता ऋग्वेद का दूसरा नाम है, और ऑप्शन तीन अवेस्ता एक वैदिक कबीले का नाम है, और ऑप्शन चार है अवेस्ता एक वैदिक राजा का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ का नाम है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित दस राजन युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन एक है परुषनी, ऑप्शन दो है सरस्वती, और ऑप्शन तीन है दृष्द्विति, और ऑप्शन चार है शतुंद्र। तो इसका सही आंसर होगा परुषनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पाली ग्रंथ छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करता है? ऑप्शन एक है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन दो है दीर्घ निकाय, और ऑप्शन तीन है मंजीव निकाय, ऑप्शन चार है खुद्दक निकाय। तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस राजवर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की? ऑप्शन एक है आठवें वर्ष में, ऑप्शन दो है चौदहवें वर्ष में, ऑप्शन तीन है छब्बीसवें वर्ष में, ऑप्शन चार है सैंतीसवें वर्ष में। तो इसका सही आंसर होगा आठवें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुषाण शासन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन एक है विम कदफिसिस, ऑप्शन दो है कुजुल कदफिसिस, ऑप्शन तीन है कनिष्क प्रथम, और ऑप्शन चार है वासुदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा कुजुल कदफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुप्त राजा ने गुप्त संवत आरंभ किया? ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन दो है चंद्रगुप्त, ऑप्शन तीन है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन चार है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वंश का शासक
हर्षवर्धन था? निम्नलिखित में किस वंश का शासक हर्षवर्धन था? ऑप्शन एक है पुष्पभूति वंश, ऑप्शन दो है चालुक्य वंश, ऑप्शन तीन है मोखड़ी वंश और ऑप्शन चार है पाल वंश। तो इसका सही आंसर होगा पुष्पभूति वंश। ये था 2004 का पूछा हुआ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन।